Hi guys, welcome aboard. My name is Kanika and this video is all about how to become more fluent in your English as a language, especially अगर आप cabin crew के interview के लिए तैयारी कर रहे हो. मैं इस video में आपको एक ऐसी strategy बताने वाली हूँ जिससे ना कि आपकी English improve होगी लेकिन आप एक good observer भी बन पाएंगे, आपकी active listening भी improve होगी. So before I start with this video, मैं आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहती हूँ जो रिसेंटली मैंने पढ़ा एंड इट इम्पैक्टेड मी सो मच. वेल, दिस कोट सेज, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दोज 1000 पीपल स्टैंडिंग इन द रो. हाउएवर, आई एम अफ्रेड ऑफ दैट वन पर्सन हु प्रैक्टिस्ड फॉर 100 और 1000 टाइम्स. विच मीन्स कि आज अगर हजारों की भीड़ मेरे आगे खड़ी हो, मैं शायद डरूंगी नहीं, लेकिन मैं उस इंसान से जरूर डरूंगी जो हजार बार एक ही चीज को प्रैक्टिस करके आया हो. बिकॉज एज यू ऑल नो, प्रैक्टिस मेक अस क्लोजर टू द परफेक्शन. सो विद दिस नोट, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. और जब मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आप 90 दिन के लिए ये एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. वेल, इस ट्रिक का नाम है 1-3-30 फ्लुएंसी ट्रिक. अभी इस ट्रिक में आपको कोई भी एक अपने फेवरेट स्पीकर का वीडियो पिक करना है. ये वीडियो कोई भी इंडियन स्पीकर का या फिर फॉरेनर स्पीकर का हो सकता है. इनिशियली ट्राई करिए कि आप कोई भी इंडियन स्पीकर का वीडियो पिक कर रहे हैं, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, शाहरुख खान या कोई भी जो आपके फेवरेट स्पीकर हैं. नाउ वंस यू हैव सिलेक्टेड योर स्पीकर, नाउ मूव ऑन एंड पिक अप देयर स्पीच का कोई भी यूट्यूब से वीडियो. वंस यू हैव पिक्ड अप देयर वीडियो, अभी इस वीडियो को आप लोग 30 दिन तक रेगुलरली फॉलो करने वाले हैं. विच मीन्स मैंने एक वीडियो लिया है ऑफ प्रियंका चोपड़ा, अब मैं इस वीडियो को 3 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दूंगी एंड नाउ माय होमवर्क स्टार्ट्स. सो पहली चीज है ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग. तो आप अभी पहले 10 दिन सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को ऑब्जर्व कर रहे हैं और लिसन कर रहे हैं, ताकि आप जब भी इंग्लिश बोलना शुरुआत करें, आपकी लिसनिंग स्किल इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, आपकी लिसनिंग स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्पीकर का एक्सेंट कैसा है, उनका लैंग्वेज स्किल क्या है, उनके हाथ पैर कैसे मूव हो रहे हैं या उनका बॉडी कैसा है. सो ये सब आपको ऑब्जर्व करना है. ये होगा आपका पहले 10 दिन का होमवर्क. सेकेंड, जब आने वाले बाकी 10 दिन में आप क्या करने वाले हैं? वेल, आने वाले 10 दिन के अंदर आप अभी अपने स्पीकर की वीडियो को कॉपी करना शुरू करेंगे, विच इज कॉल्ड मिमिकिंग. अभी मिमिक करने का मतलब होता है दैट यू हैव टू कॉपी द अदर पर्सन. सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मंकी सी मंकी डू. जैसे कि एक बंदर दूसरे बंदर को देख के कॉपी करता है, वी बिकम दैट मंकी एंड वी स्टार्ट कॉपिंग आवर स्पीकर. जब मैं कॉपी शुरू कर रही हूँ, आई एम एक्चुअली प्रैक्टिसिंग एक्सेंट, वोकैबुलरी, प्रोनंसिएशन, बॉडी लैंग्वेज, जो मेरी इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ साथ मेरे वोकल एलिमेंट्स भी इम्प्रूव कर रहा है. नाउ कमिंग 10 डेज, अभी मैंने पहले 10 दिन ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग किया, बाकी 10 दिन मैंने मिमिक एंड कॉपी किया. आने वाले 10 दिन में मैं ये वीडियो को साइड रख दूंगी. नाउ 30 डेज, दीज लास्ट 30 डेज आर वेरी क्रूशियल लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि लास्ट 30 डेज में मैं जितना भी मैंने 20 दिन में सीखा है, I will now set up my camera in front of me and I will start practicing on my own. इस activity के लिए आपको कोई partner की जरूरत नहीं है, कोई English speaker की जरूरत नहीं है. You become your partner and you start practicing. अभी ये video को आप record करिए. ये video 1 minute का हो सकता है, 3 minute का हो सकता है, with your comfort level do it. Now once this video is recorded, you can send it to your friends, जो आपके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो आपकी मदद करेंगे. आप उनको भेजिए फीडबैक के लिए, या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए. एनी वन ऑफ योर फ्रेंड कैन क्रॉस चेक एंड विल सपोर्ट यू. इफ यू फील दैट देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम योर एंड, बट सैश क्रू इज देयर टू हेल्प यू. नीचे टेलीग्राम प्रैक्टिस पेज का लिंक है, आप उस पेज को क्लिक करिए, आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे. वहां अपना वीडियो पोस्ट किए एंड आर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स विल हेल्प यू. Well, thank you so much everybody for watching this video till the end. और अगर आपको एक recap चाहिए इस video का, so here it is. पहला, आप एक लंबा कोई भी video ले लीजिए. दूसरा, उसको छोटे भाग में divide करिए. तीसरा, उसको 10-10 दिन में divide करके practice करिए. Practice करने के लिए observing and listening बात की है. दूसरा,
आपको मिमिक एंड कॉपी करना है। तीसरा, रिकॉर्ड योर वीडियोज एंड बिकम स्मार्ट स्पीकर। And if you like this video, make sure that you are subscribing to the channel because मैं part 2, part 3 में और strategy tricks बताने वाली हूँ।